सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप Redmi Note 10 या फिर Redmi Note 10 Pro मोबाइल में आप जो है अपने किसी भी फोटो या वीडियोज को हाइड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने गैलरी में जाना है और गैलरी में जाओगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिख जाएगा। अब जिस भी फोटो या वीडियोज़ को आप हाइड करना चाहते हो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर कुछ फोटोज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आपको इनको हाइड करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड टू एल्बम, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए दूसरे नंबर पर आ रहा है प्राइवेट एल्बम, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ओके का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ओके का ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर दोगे ये फोटोज आपकी हाइड हो जाएंगी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इनको देखोगे। तो दोस्तों हाइड हुई फोटो को देखने के लिए आपको यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक एल्बम का एक फोटोज का, तो आपको एल्बम पर क्लिक करना है। एल्बम पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से लॉन्ग प्रेस यानी कि नीचे की तरफ खींचना है। देखिए मैंने खींचा, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस यहाँ से रखना है उंगली को और नीचे की तरफ ऐसे खींचना है। जैसे खींचोगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से पासवर्ड आपको डाल देना है। दोस्तों आपने अगर यहाँ पर पासवर्ड नहीं सेट किया तो आपको सबसे पहले पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पर वही वाली फ़ोटोज़ सारी आ चुकी हैं। तो इनको अगर अनहाइड करना हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके डायरेक्ट इनको यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम प्राइवेट एल्बम, तो इस पर क्लिक कर देना, ये फिर से अनहाइड हो जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर जो है अपने फोटोज या वीडियोज़ को हाइड कर सकते हो।